My name is Surbhi and I welcome you all to IDA Sprint series. So far, we have done all the theoretical topics. Now it's time to practice few questions. I already told you the more question you practice, the better you get at it. Jitne zyada question practice karenge, utne acche se humko exam mein bhi cheeze banengi. So, with me, now let's start practicing the questions. Chaliye, shuru karte hain, hai na, bina deri kiye, question practice karna. Chaliye, achha, this is one urge. अरे ये हम पहले ही कर चुके हैं, कोई बात नहीं. एक अर्ज है मेरी आप सभी से कि जब मैं आंसर बताऊँ उसके पहले आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आंसर बता दीजिए. डोंट वेट फॉर मी टू टेल द आंसर, बट प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप फटाफट फटाफट मेरे बताने से पहले आंसर्स बताते जाइए. मैं आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी दूंगी इफ़ इन केस अगर आपका कोई क्वेश्चन है जो गलत हो जाता है, तो वो क्वेश्चन आप सही कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं, और जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रही हूँ वो भी आप लिख सकते हैं. चलिए शुरू करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन इज Which article specifies the fundamental duties of every citizen? जो fundamental duties हैं वो किस article में specify की गई हैं? तो जो fundamental duties हैं वो article number 51A में specify की गई हैं. Article number 51A में हमारे fundamental duties की बात की गई हैं. हमारे पास कुछ fundamental rights हैं और हमारी कुछ fundamental duties हैं. कुछ मौलिक अधिकार हैं हमारे और कुछ मौलिक कर्तव्य हैं हमारे जो हमें करने होते हैं. तो इट इज़ 51A. अच्छा, यहाँ पे कुछ आर्टिकल्स हैं जैसे कि 80 है, आर्टिकल 80, आर्टिकल 343, आर्टिकल 353. इन सब के आगे तो कुछ भी ए बी सी डी नहीं लिखा है, तो आर्टिकल 51 के आगे ए क्यों लिखा है, क्या सिग्निफिकेंस है इसका, क्या इंपॉर्टेंस है इसकी, आई टेल यू. सी, जब कभी भी कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से कोई आर्टिकल जुड़ता है, तो उसके आगे एक कैपिटल लेटर लग जाता है. तो अगर मैं लिखती हूँ आर्टिकल 51, तो ये पहले से कॉन्स्टिट्यूशन में था. अगर मैं लिखती हूँ आर्टिकल 51A, तो मतलब ये अमेंडमेंट के बाद ऐड किया गया है, राइट. अच्छा, हमारे यहाँ पे हुआ था 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ 1976. इसके बाद कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड कर दिया गया था. कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड किया गया था? 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ वर एडेड. ठीक है, चलिए, वेरी गुड. इतना तो हमने समझ लिया. अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फंडामेंटल ड्यूटीज अडॉप्टेड? हमने इनमें से किस कॉन्स्टिट्यूशन में से हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ को अडॉप्ट किया है? तो हमने कहाँ से अडॉप्ट किया है बताइए, हमने हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज को कहाँ से अडॉप्ट किया है? हमने हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज यूएसएसआर के कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट किया है. यूएसएसआर जो अभी रशिया है, वो पहले 1991 के पहले यूएसएसआर हुआ करता था, तो हमने फंडामेंटल ड्यूटीज का कंसेप्ट रशिया से लिया है. चलिए, वेरी गुड. नेक्स्ट आंसर बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच? आपको बताना है कि क्या करेक्टली मैच है. जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, सिटीजनशिप, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज हैं, ये किस पार्ट में आता है आपको ये बताना है. तो फंडामेंटल राइट्स किस पार्ट में आते हैं? फंडामेंटल राइट्स आते हैं हमारे पार्ट थ्री में. पार्ट टू गिवन है, तो ये तो गलत हो गया भाई ना. फिर है हमारा सिटीजनशिप. सिटीजनशिप आता है पार्ट टू में. सिटीजनशिप आता है पार्ट टू में, यहाँ पर गिवन है पार्ट थ्री, तो ये भी गलत हो गया. फंडामेंटल ड्यूटीज आता है पार्ट फोर ए में. यस, करेक्ट, फंडामेंटल ड्यूटीज आता है पार्ट फोर ए में, ये हमारा सही आंसर है. चलिए एक बार सारे पार्ट्स हम देख लेते हैं. ठीक है, पार्ट वन में आता है हमारा यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज. पार्ट टू में आता है हमारा सिटीजनशिप. पार्ट थ्री में आता है हमारा फंडामेंटल राइट्स. पार्ट फोर में आता है हमारा DPSPs, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज. पार्ट फोर में आता है हमारा DPSPs. और पार्ट फोर ए पार्ट
फोर ए में आता है हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज, पार्ट फोर ए में आता है फंडामेंटल ड्यूटीज। अच्छा पार्ट फाइव, पार्ट फाइव में क्या आता है, पार्ट फाइव में आता है गवर्नेंस, सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नेंस आता है पार्ट फाइव में। चलिए वेरी गुड, मूविंग ऑन। हाँ जी मूविंग ऑन, इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरमेंट। दिस स्टेटमेंट रिफर्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये हर एक इंडियन नागरिक की ड्यूटी है कि वो प्रोटेक्ट और इम्प्रूव करे नेचुरल एनवायरमेंट को। ये जो स्टेटमेंट है ये किस आर्टिकल में गिवन है, ये दिस इज़ वन ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटीज। देखिए ये आपको बता रहा है ना कि आपकी ड्यूटी है कि आपको एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है, दिस इज वन ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटीज। तो द करेक्ट आंसर इज आर्टिकल 51A, राइट, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट आइए। हाँ जी बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम्स अंडर फंडामेंटल ड्यूटीज। इनमें से कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो फंडामेंटल ड्यूटीज के अंदर नहीं आता है। एक एक करके स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। टू सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी, टू सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी तो एक फंडामेंटल ड्यूटी है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। ध्यान से पढ़िए, उसमें पूछा है कि फंडामेंटल ड्यूटी कौन सा नहीं है। इसमें बच्चे हमेशा गलती कर देते हैं, नहीं शब्द को नहीं पढ़ते हैं, है ना, तो ये बहुत ध्यान से पढ़िए। चलिए नेक्स्ट बताइए, टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरमेंट, ये भी हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है। टू प्रमोट हारमोनी, ये भी हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है। टू प्रोटेक्ट फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ना, टू प्रोटेक्ट फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात की गई है, कहाँ की गई है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात की गई है आर्टिकल 19 में, फंडामेंटल राइट्स, आर्टिकल 19A। आर्टिकल 19A टॉक्स अबाउट द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, दिस इज वन ऑफ योर फंडामेंटल राइट्स, नॉट फंडामेंटल ड्यूटी, है ना। आर्टिकल नंबर 19 में हमारे पास छह फंडामेंटल राइट्स हैं। कौन से छह फंडामेंटल राइट्स हैं, फ्रीडम टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम टू असेंबली, फ्रीडम टू एसोसिएशन, फ्रीडम टू मूवमेंट, फ्रीडम टू रेसिडेंस एंड फ्रीडम टू प्रोफेशन। कोई भी प्रोफेशन आप कर सकते हैं, तो ये छह फंडामेंटल राइट्स हमारे पास हैं, है ना, इसीलिए नंबर फोर इज योर आंसर। चलिए बताइए, बाय वॉट टर्म द 10th कमांडर ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आर कॉल्ड। तो जो हमारा 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था उसके बाद हमारा कौन सा एक एक्ट ऐड हुआ था। फर्स्ट क्वेश्चन में हमने देखा था, है ना, कि जब मैं रीड कर रही थी तब मुझे याद आ रहा था कि फर्स्ट क्वेश्चन में हमने ये चीज़ समझी थी कि हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड की गई थी 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से। तो क्या होगा इसका आंसर, फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटीज इनिशियली नहीं थी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ऐड की गई थी। किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ऐड की गई थी, तो वो ऐड की गई थी आपके 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से। चलिए नेक्स्ट बताइए, अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटीज। इन सब में से कौन सी एक फंडामेंटल ड्यूटी नहीं होती है। तो तीन है जो फंडामेंटल ड्यूटी है और एक है जो फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। चलिए पढ़ लेते हैं एक बार। टू वोट इन पब्लिक इलेक्शन आपकी कोई ड्यूटी नहीं है। हाँ आपको करना चाहिए पर कोई फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है, तो आई हैव अ डाउट इन इट। देन टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, हाँ जी ये तो है। टू सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी, हाँ जी ये भी है। टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स रिस्पेक्टिव आइडियाज, हाँ जी ये भी है। तो ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है चलिए वेरी गुड, नेक्स्ट बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी, भाई साहब तीसरी बार ये सेम क्वेश्चन आ रहा है, कौन सी फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। खाली 11 फंडामेंटल ड्यूटी है, एक बार पढ़ के जाइएगा, क्योंकि ऐसा एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आ सकता है कि चार फंडामेंटल ड्यूटीज दे देंगे जिसमें से एक तो नहीं होगी और आपसे पूछा जाएगा कि कौन सी नहीं है। हाँ ये भी दे सकते हैं कि चार में से पूछ लिया जाए कौन सी है, तो एक बार प्लीज पढ़ करके जाइएगा। चलिए अब समझते हैं, टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट द नेशनल फ्लैग, ये तो फंडामेंटल ड्यूटी है हमारी। टू प्रमोट हार्मनी एंड ब्रदरहुड, हाँ ये भी हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है। टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट दी सोवरेनिटी, हाँ जी ये भी है। फिर क्या है, अबोलिशन ऑफ टाइटल एक्सेप्ट मिलिट्री एंड एकेडमिक्स, अरे बाबा
अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स. अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स क्या है? आर्टिकल नंबर 18 अबॉलिशन ऑफ टाइटल. नो वन कैन कीप एनी काइंड ऑफ टाइटल. किसी भी तरीके का टाइटल आप नहीं रख सकते हैं एक्सेप्ट फॉर योर मिलिट्री एंड एकेडमिक्स का टाइटल. अगर कोई मिलिट्री का या एकेडमिक्स का टाइटल है तो रख लो, वरना फिर नहीं रख सकते हो. तो ये तो गलत हो गया. चलो ठीक है, अगला देखते हैं. अगला बताइए भाई, पढ़िए और बताइए. द चैप्टर ऑन फंडामेंटल ड्यूटी इंक्लूड्स. फंडामेंटल ड्यूटी में क्या क्या इंक्लूड किया जाता है, तो मतलब हमको देखना है कि इसमें क्या इंक्लूड नहीं किया जाता है. ड्यूटी टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियाज विच इंस्पायर अवर फ्रीडम मूवमेंट. नहीं भैया, ये तो नहीं होता है. नेक्स्ट देख लेते हैं. ड्यूटी टू वोट इन जनरल इलेक्शन कैरेक्टर्स. नहीं सॉरी, ये होता है. ड्यूटी टू वोट इन जनरल इलेक्शन ये नहीं होता है. है ना, अभी हमने पीछे भी सेम चीज़ देखी थी, सेम ही क्वेश्चन है, लैंग्वेज बदल दी गई है बस. चलिए नेक्स्ट बताइए. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंडामेंटल ड्यूटी इन इंडिया. इन सब में से कौन सी एक फंडामेंटल ड्यूटी होती है इंडिया में, बताइए. सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, ये कोई फंडामेंटल ड्यूटी तो नहीं है. सेपरेशन होना चाहिए जुडिशरी का और एग्जीक्यूटिव का, पर क्या ये फंडामेंटल ड्यूटी है? नहीं. फिर क्या है? टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ अवर कंपोजिट कल्चर. विच ऑफ द फॉलोइंग, अच्छा इसमें पूछा गया है कि कौन सी फंडामेंटल ड्यूटी है, कौन सी है, तो प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ अवर कंपोजिट कल्चर. हाँ यार, ये तो फंडामेंटल ड्यूटी है. दिस इज एग्जैक्टली राइट, दिस इज अ फंडामेंटल ड्यूटी. बाकी तो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, फिर भी चलो एक बार पढ़ लेते हैं. अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी. अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी क्या है? आर्टिकल नंबर 17. अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी. वेयर इज अनटचेबिलिटी डिस्क्राइब्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन? टेल मी, वेयर इज अनटचेबिलिटी डिस्क्राइब्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन? नो वेयर. अनटचेबिलिटी इज नॉट डिस्क्राइब्ड इन आर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. अगर अनटचेबिलिटी कहीं पर प्रैक्टिस होती है तो सुप्रीम कोर्ट ऑन द बेसिस ऑफ केसेज आपको बताएगा कि अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस हुई है. Otherwise, there is no such evidence of it. चलिए next बताइए भाई. By which amendment act the fundamental duty of citizen are included in Indian constitution? By which amendment act the fundamental duties of Indian citizen? कौन सा ऐसा amendment हुआ था जिससे fundamental duties add की गई थी? तीसरी बार कर रहे हैं हम ये same question, है ना? तो क्या होगा answer? 42nd अमेंडमेंट एक्ट. चलिए वेरी गुड. नेक्स्ट बताइए. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी. इन सब में से कौन सी एक फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है? टू रिस्पेक्ट द नेशनल एंथम, ये तो फंडामेंटल ड्यूटी है. टू सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टीज, ये भी फंडामेंटल ड्यूटी है. टू प्रोटेक्ट माउंटेन्स एंड द प्लेसेज ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस. टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेशनल एनवायरमेंट, ये फंडामेंटल ड्यूटी है, ये फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है. तो ऑप्शन 3 इज योर करेक्ट आंसर. चलिए वेरी गुड. नेक्स्ट बताइए. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट. इन सब में से कौन सा इनकरेक्ट है? फंडामेंटल ड्यूटीज आर द पार्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स. फंडामेंटल ड्यूटीज आर नॉट द पार्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स. फंडामेंटल ड्यूटीज आर इन्यूमरेटेड इन द पार्ट 4A of the Indian Constitution. Article 51A explains 11 duties of every citizen of India. देखिए Article 1 और question number, point number 1 और point number 2 एक दूसरे को contradict कर रहे हैं. अगर ये दोनों एक दूसरे को contradict कर रहे हैं तो इन दोनों में से कोई एक ही होगा जो हमारा answer होगा, है ना? चलिए बाकी के दो तो सही ही हैं. Article 51 जो है वो 11 duties बताता है. हाँ जी, 51A 11 duties बताता है, ठीक है. जो fundamental duties होती हैं वो पार्ट 4A में गिवन है. हाँ जी, ये भी सही है. अब जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं दे आर अ पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट. नहीं, फंडामेंटल ड्यूटीज अलग है, फंडामेंटल राइट्स अलग हैं. तो फंडामेंटल ड्यूटीज पार्ट कैसे होंगे फंडामेंटल राइट का? तो ऑप्शन नंबर ए इज योर रॉन्ग आंसर, हेंस इट इज आर आंसर. ठीक है, चलिए नेक्स्ट बताइए. राइट टू एजुकेशन एक्ट 2002 वॉज इंट्रोड्यूस्ड टू हेल्प विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ सोसाइटी. कौन से ग्रुप ऑफ सोसाइटी को हेल्प करने के लिए हमारा कौन सा एजुकेशनल एक्ट आया था 2002 का? 2002 का एजुकेशनल एक्ट जिसको हम कहते हैं 80
सिक्स्थ 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है ना। तो जब 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था तो इसने ऐड किया था कि चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 6 to 14 शुड बी गिवन कंपल्सरी एजुकेशन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बताइए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन आइटम इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ एन इंडियन सिटीजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। इनमें से ऐसा कौन सा आर्टिकल है जो फंडामेंटल ड्यूटीज के नाम पे ऐड हुआ है? चलिए बताइए आंसर। एक बार पढ़ लीजिए क्वेश्चन एंड देन टेल मी द आंसर। द प्रैक्टिस ऑफ सेक्युलरिज्म, नंबर वन ही आपका सही है, दिस इज एडेड, बाकी के नहीं है। चलिए, दिस वॉज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ आर सीरीज। विद दिस क्वेश्चन आई होप यू वुड हैव गॉटन अ लिटिल बिट मोर क्लियरिटी। विद दिस वी हैव कम्प्लीटेड फंडामेंटल ड्यूटीज। अब इससे ज़्यादा आपको फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में कुछ भी पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसमें से ही आएगा, है ना। इसके अलावा कोई और न्यूमैन्स का क्वेश्चन नहीं है जो आ जाएगा। आपने ये वीडियो कर लिया है तो योर फंडामेंटल ड्यूटीज आर डन। प्रैक्टिस फ्यू मोर क्वेश्चन फ्रॉम डिफरेंट टॉपिक्स। टिल देन वी विल मीट इन आर न्यू वीडियो। टिल देन थैंक यू सो मच। इफ यू हैव एनी डाउट, do comment it in the comment section. We'll meet in next video. Thank you so much.